नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
माय सर्कल, आज आप लोगों को यहां एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। 3-4 महीनों से शहर में जवान लड़कियों के जो पुरअसरार कत्ल हो रहे हैं, उससे एक टेरर सा फैला हुआ है। मेरा तो पहले से ही ख्याल था कि हत्यारा मामूली मुजरिम नहीं है, जो लड़की की इज्जत, दौलत और जेवर लूटने के लिए हत्या करता है। इसीलिए मैंने देश के माने हुए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर घोष से मशवरा लेना मुनासिब समझा, और उनकी रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि हत्यारा वाकई कोई जहनी मरीज है, जो दिमाग के किसी खास खलल के तहत ये वारदातें कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को पूरे तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। मुझे विश्वास है हत्यारा हमारे हाथ से बच नहीं सकता। एंड वी मस्ट कैच हिम। इंस्पेक्टर सांगली बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल नंबर MRW1206 खंडाला की तरफ जा रही है, रोड ब्लॉक कर लो। हाँ, वी आर फॉलोइंग। और तेज करो। बेटा रात के 2 बजे तक बाहर भटकता रहता हो, वो मां कैसे सो सकती है? बेटा, ये कैसी नौकरी है जिसमें तू आधी रात से पहले घर ही नहीं आ सकता? मां बात दरअसल ये है, मैं तो जल्दी आ रहा था, लेकिन मुझे अचानक एक जरूरी काम आ पड़ा, इसके लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। भगवान ने न जाने क्यों सारी मजबूरियां तुझी पर डाल दी, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा बेटा, आ खाना खा ले। भैया, आज फिर तुमने देर लगा दी, थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना भैया। अब तो मोहल्ले वालों ने भी पूछना शुरू कर दिया है, और तुम तो जानते हो माँ तुम्हारे बारे में कितनी फिक्र करती रहती है। वो तुम भैया कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? Excuse me.
यस प्लीज, कहिए ना क्या बात है। जी बात यह है कि हम फैमिन रिलीफ फंड के लिए आए हैं। ओ, कहां से आई हैं आप लोग? जी वो इनके डैडी है ना, उन्होंने आपके पास भेजा है। कौन है आपके डैडी? सोहनलाल भरद्वाज। ओ, होटल रोमा के मालिक? जी। अरे तो आइए बैठिए ना, सोहनलाल जी तो हमारे अंकल हैं। क्या पिएंगे आप लोग? जी धन्यवाद, हमें अभी बहुत जगह जाना है। आई सी, ये लीजिए, अंकल को हमारी नमस्ते कहिएगा। जी अच्छा, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलराइट। विक्रम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। काम हो गया? काम तो हो गया, लेकिन पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, 3 घंटे तक वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे, आखिर बड़ी मुश्किल से टॉस देकर घर पहुंचा। गुड, वेरी गुड, इसका मतलब हमें होशियारी से रहना चाहिए। खैर, राजा साहब ने कुछ बोला? बस माल की शिकायत, सैंपल के मुताबिक माल नहीं। बकने दो। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं प्रताप सक्सेना बोल रहा हूँ। हेलो प्रताप, ये अचानक अंकल ख्याल कहाँ से आ गया? मैं तो बहुत अरसे से बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम हो कि बस इतने बिजी। ऐसे ही बैठे बैठे राय बहादुर याद आ गए, फिर आपका ख्याल आया, सोचा आपको फोन करके देखूं, शायद आप ऑफिस में होंगे। अरे भाई, ये फोन करने से क्या होगा, कभी घर पे आओ, नाश्ता वाश्ता हो, गुफ्तगू हो। जरूर आऊंगा अंकल। देखो प्रताप, भूलना नहीं है? नहीं नहीं, आई डेफिनेटली कम। प्रताप सक्सेना का फोन था, द ग्रेट आर्किटेक्ट, जानते हो? जी जानता हूँ, आपके पास आने से पहले मैं उनके पास भी नौकरी के लिए गया था। चलो चलो चलो, चलो। थर्ड फ्लोर नहीं, फोर्थ। देखो अब यहाँ ज्यादा देर न लगाना, कल स्पोर्ट्स है और स्केटिंग की प्रैक्टिस भी करना है। अरे ये तो फिफ्थ फ्लोर आ गया है। देवी जी, पहले ये फैसला तो कर लीजिए कि आप लोगों को जाना कहाँ है। आपको किसने चढ़ा दिया इस पर? जी चढ़ा तो मैं खुद ही था। मालूम नहीं कैसे कैसे मनहूस चले आते हैं। सुनाना बिहेवियर सर, आपको कौन सी फ्लोर पर जाना है? ग्राउंड फ्लोर। इन सब में आप ही समझदार दिखाई देती हैं। आपका ग्राउंड फ्लोर। देख लीजिएगा, कल के स्पोर्ट्स में आप ही फर्स्ट आएंगे। पार्टी में हमें नहीं बुलाओगी रोमा? रोमा, इस बेचारे को भी बुला लो ना पार्टी में। सुने ना, अगर इस पार्टी में सिर्फ इंसानों को ही बुलाया जाए तो ठीक है। गुरु, कुत्ता कह गई है तेरे को, आई मीन स्ट्रीट डॉग। क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? क्या आपने काम करो? वो तो मैं कर चुका। जानते नहीं मैं कौन हूँ,
कौन हो? जाओ कह दिया ना। जाओ जाओ। कम ऑन जाने का रास्ता है। यू तेरे देंगे ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।